नमस्कार साथियों, मैं मेनपाल हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपका हार्दिक अभिनंदन है, फटाफट से क्लास में जुड़ जाइएगा। साथियों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी की क्लास। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रतिदिन इस समय हिंदी की क्लास हमारी होती है और इस क्लास के अंदर हम लगभग सारे टॉपिक पढ़ चुके। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों उपसर्ग का टॉपिक। चलिए समझते हैं क्या होता है उपसर्ग, किस प्रकार से उपसर्ग जो है निर्माण होता है। सबसे पहले उस उपसर्ग पर चर्चा करेंगे। उपसर्ग समझिए दोस्तों क्या होता है उपसर्ग या इसकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों परिभाषा से ही हम समझना शुरू करते हैं। आज पहली परिभाषा बता रहा हूं दोस्तों, चलिए समझिएगा कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। साथियों उपसर्ग की परिभाषा क्या होगी, साथियों फटाफट से बोलिएगा क्या होती है उपसर्ग की परिभाषा। चलिए समझिए, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर क्या करते हैं दोस्तों, पूर्व में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूं, नए शब्द का निर्माण करते हैं। दोस्तों या अब मैं लिखूं नए शब्द का निर्माण करते हैं, लिखा इसके बाद में लिखूं कि अर्थ में परिवर्तन कर देती है। साथियों क्या करते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं दोस्तों, यानी कि अर्थ को बदल देते हैं। या क्या करते हैं दोस्तों, एक काम ये हुआ नए शब्द का निर्माण करते हैं, दूसरा अर्थ का परिवर्तन करते हैं। या मैं इसको सीधा लिखूं कि किसी न किसी प्रकार से क्या डालते हैं दोस्तों, प्रभाव डालते हैं। यानी कि किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर क्या करते हैं दोस्तों, अर्थ में प्रभाव डालते हैं। उन शब्दों को क्या कहा जाता है दोस्तों, उन शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा उपसर्ग क्या होता है। वे शब्दांश मैंने क्या लिखा दोस्तों, शब्दांश लिखा, मैंने शब्द नहीं लिखा दोस्तों, क्या लिखा, शब्दांश। थोड़ा सा इस पर नजर डालिएगा कि शब्दांश और शब्द क्या होता है दोस्तों। जब हमने किया था भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या होती है दोस्तों, भाषा की लघुतम इकाई जो थी ध्वनि की, और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाया था। परंतु दोस्तों जो अर्थ के आधार पर यदि मैं बात करूं कि अर्थ के आधार पर, थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुतम इकाई, दोस्तों उत्तर दीजिएगा फटाफट से, सबसे लघुतम इकाई की मैं बात करूं दोस्तों, लघुतम इकाई फटाफट से बताइएगा दोस्तों क्या होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या होती है दोस्तों, आपके सामने मेरा प्रश्न है, फटाफट से जवाब दीजिएगा दोस्तों। चलिए मैं ये ऑप्शन देता हूं आपको, क्या वो ध्वनि होती है, क्या वो वर्ण होता है, क्या वो शब्द होता है दोस्तों, क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी और डी में लिखूं कोई नहीं, या दोस्तों कोई नहीं मैंने लिखा, तो दोस्तों फटाफट से आप उत्तर दीजिएगा इसका। ए बी सी डी, मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं साथियों। मैं जितना इंतजार कर रहा हूं उतना ही इंतजार आप भी कर रहे हैं दोस्तों, तो ज्यादा इंतजार आपको न करना पड़े इसके, फटाफट से उत्तर दे दीजिएगा साथियों। चलिए, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुतम जो इकाई होती है दोस्तों वो रहता है शब्द। क्या रहता है दोस्तों, शब्द रहता है।
कहने का मतलब अर्थ के आधार पर सबसे लघुतम इकाई क्या है साथियों? शब्द है। कहने का मतलब कि जो शब्द होगा उसका क्या होगा दोस्तों? अर्थ होगा। परंतु ये क्या है दोस्तों? उपसर्ग क्या है दोस्तों? शब्दांश है। शब्दांश शब्द नहीं होता साथियों, शब्दांश शब्द नहीं होता, ये शब्दांश होता है यानी शब्द का अंश होता है। चलिए समझते हैं कैसे होता है, ये चीज आपको समझ में आई दोस्तों। अर्थ के आधार पर सबसे लघुतम इकाई क्या होगी दोस्तों? शब्द होगी। यानी कि शब्द क्या होगा? अर्थ के आधार पर। कहने का मतलब ये है कि शब्द का कोई ना कोई अर्थ रहता है दोस्तों, ठीक है। वर्णों का सार्थक मेल होता है यानी अर्थ सहित मेल करना क्या होगा? शब्द होगा साथियों। अब शब्दांशों को समझिएगा कि शब्दांश क्या होता है दोस्तों। शब्दांश से अर्थ होता है शब्दों का अंश। शब्दों का अंश दोस्तों, अंश किसको कहा जाता है? अंश एक भाग को कहा जाता है, एक हिस्से को कहा जाता है। और एक अंश हम इस प्रकार से भी लिखते हैं दोस्तों, वो अंश अलग होता है, कंधे को कहा जाता है दोस्तों। चलिए यहाँ पे इसकी जिक्र नहीं हो रही। अंश, अंश क्या होता है दोस्तों? कोई ना कोई भाग होता है साथियों। यानी शब्दों का क्या होगा? भाग होगा, एक छोटा सा हिस्सा होगा। कैसे होगा? स्वतंत्र रूप से इसका अर्थ नहीं होता दोस्तों। क्या नहीं होता? स्वतंत्र महत्व नहीं होता, क्योंकि ये शब्दांश होते हैं। अभी मैं क्लियर करूंगा, शब्दांश होते हैं, अतः इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। दोस्तों क्या पढ़ाया जाता है? अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि 22 उपसर्ग होते हैं। सबसे पहले उपसर्ग आया, यदि ए उपसर्ग सबसे पहले दिया, ए का अर्थ होता है नहीं के संदर्भ में। ए का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नहीं होता है। मान लो सुंदर है, तो सुंदर के साथ में क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, तो क्या बनेगा? ए प्लस सुंदर दोस्तों, क्या बना? ए सुंदर बना। और ए सुंदर का अर्थ हुआ कि सुंदर नहीं। ए का अर्थ क्या दिया? नहीं दिया। वास्तव में दोस्तों उपसर्ग में ऐसा नहीं होता, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये शब्दांश होते हैं और शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ किसका होता है दोस्तों? अभी अभी क्लियर किया था, अर्थ शब्दों का होता है। ए का अर्थ हमेशा नहीं होता साथियों। ए का अर्थ नहीं के लिए प्रयुक्त किया जाता है उस संदर्भ में जब ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं दोस्तों? कैसे शब्दों के साथ जुड़ते हैं दोस्तों? चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। तो शब्द जो है वो दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और एक होता है दोस्तों अविकारी शब्द। अविकारी शब्द फटाफट से बताइएगा दोस्तों किसके साथ जुड़ते हैं? उपसर्ग या प्रत्यय जो जुड़ते हैं दोस्तों, प्रत्यय को छोड़िए, एक बार हम उपसर्ग की बात कर लेते हैं साथियों। उपसर्ग विकारी के साथ जुड़ेंगे या अविकारी के साथ जुड़ेंगे दोस्तों? ए ऑप्शन या बी ऑप्शन फटाफट से बताइएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी में दोनों और डी ऑप्शन है कोई नहीं, किसी के साथ नहीं जुड़ता साथियों। फटाफट से बताइएगा किसके साथ जुड़ेगा? विकारी के साथ, अविकारी के साथ, दोनों के साथ या कोई नहीं साथियों? चलिए इसको भी समझते हैं, आपका इंतजार खत्म हुआ साथियों। चलिए इसको समझ लेते हैं हम कि किसके साथ ही जुड़ने वाले हैं साथियों। शायद यहां दिख रहा होगा आपको एक और यही पे क्लियर कर लेना साथियों। चलिए देखिए दोस्तों, जो उपसर्ग है इनका अर्थ क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? हमने परिभाषा में लिखा है अर्थ में परिवर्तन करते हैं दोस्तों। तो परिवर्तन विकारी शब्दों में होगा साथियों। परिवर्तन किसमें होगा दोस्तों? विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है। अविकारी शब्द तो विकार उत्पन्न ही नहीं होगा, उसमें बदलेंगे ही नहीं। लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर ये परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। ये क्या होता है? अविकारी शब्द वचन, लिंग, क्रिया, काल के आधार पर जो है परिवर्तन इसमें नहीं आता साथियों। और जब इसमें परिवर्तन नहीं आता तो इसको ये उपसर्ग लगा करके कैसे बदला जा सकता है दोस्तों? नहीं बदलेंगे।
क्योंकि इनका जो उपयोग होता है हमेशा विकारी शब्दों के साथ होता है, और विकारी शब्दों के साथ में लग करके ये क्या होगा दोस्तों, विकार उत्पन्न करेगा, उसमें परिवर्तन करेगा। परिवर्तन किस प्रकार से करता है उसको भी समझेंगे। सबसे पहले आपने क्या समझा साथियों, जो उपसर्ग होते हैं वो हमेशा किसके साथ जुड़ते हैं दोस्तों, विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि इनका काम है विकार करना, उनका काम है परिवर्तन करना। उपसर्ग परिवर्तन करता है, किस प्रकार से परिवर्तन करता है साथियों उसको भी हम समझने वाले हैं। पहले इस चीज को आपने क्लियर कर लिया होगा कि परिवर्तन हमेशा किस में होता है दोस्तों, विकारी शब्दों में होता है। ठीक है, उपसर्ग स्वयं खुद में क्या है दोस्तों, इसका भी ये खुद भी एक तरीके से अविकारी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। इसका लिंग वचन काल में नहीं बदला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि ए हमारे सामने है, ए क्या है, उपसर्ग है, क्या ए का कभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग ऐसा कुछ सुना दोस्तों? नहीं सुना। एक वचन बहुवचन सुना साथियों? नहीं सुना। भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल ए का सुना दोस्तों? नहीं सुना। तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार से अविकारी ही होते हैं, अविकारी ही होते हैं। डेफिनेटली नहीं होता, परंतु क्या होता है, अविकारी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। वास्तविकता नहीं होती परंतु होता है। समझ में आया साथियों? चले बढ़े आगे और समझे कि किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है अविकारी शब्दों के साथ में, और किस प्रकार से नया शब्द बनाते हैं दोस्तों। आपके सामने प्रश्न है, ये आपके सामने पढ़ा है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं आगे और आगे की कार्रवाई हम शुरू करने चाहते हैं। चलिए साथियों, मैं इसको अरेंज करता हूं। दोस्तों किस प्रकार से ये परिवर्तन करते हैं चलिए समझते हैं। कई बार ये क्या करते हैं, नया शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नया शब्द बनाते हैं। और कई बार क्या करते हैं साथियों, विशेषता ला देते हैं। उसके अर्थ में क्या करते हैं, विशेषता लाते हैं। अब देखिए इसको समझिएगा कि कैसे विशेषता लाते हैं, किस प्रकार से नया शब्द बनाते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए हमारे सामने क्या है शब्द, सुंदर शब्द है। अब देखो इसमें क्या जोड़े कि ये नया शब्द बना दे, या क्या जोड़े कि अर्थ में विपरीत परिवर्तन कर दिया। विपरीत भी होता है, विपरीत भी होता है। देखिए सुंदर के साथ में यदि हमने जोड़ा ए और इसके साथ में लिखा सुंदर, दोस्तों बिल्कुल विपरीत बना दिया। सुंदर का क्या बना दिया, ए सुंदर बना दिया, उल्टा हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा विशेषता कैसे लाते हैं। यदि सुंदर के साथ हमने जोड़ा अति सुंदर, अति जुड़ा और क्या लिखा, सुंदर, तो अति सुंदर अर्थ में क्या लाया दोस्तों, विशेषता ला दी कि अति का अर्थ दोस्तों अधिक लेंगे, यहाँ पर अति का अर्थ अधिक लेंगे और क्या लिखेंगे, अधिक सुंदर। ठीक है, तो अति अति लगाने से क्या हुआ, विशेषता ला दी, सुंदर यहाँ पे है, ऐ सुंदर विपरीत अर्थ हुआ। अब समझते हैं कुछ और उदाहरणों के साथ में कि नया शब्द कैसे बनाते हैं साथियों, नया शब्द कैसे बनाते हैं, किसके साथ क्या जुड़ेगा और नया शब्द बनेगा, उस आधार पर भी जो है उपसर्ग होते हैं कैसे होते हैं चलिए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे सामने कुछ शब्द लिखे हुए हैं दोस्तों, पहले आपसे प्रश्न मैं कर रहा हूं दोस्तों, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, उसके बाद हम बढ़ते हैं कि एक शब्द है कि हार शब्द है हमारे सामने। क्या है दोस्तों, हार शब्द के साथ में, हार शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जुड़े या क्या उपसर्ग जुड़े दोस्तों, क्या उपसर्ग जोड़ने पर, क्या उपसर्ग जोड़े कि उसका अर्थ त्यागना हो जाए,
त्यागना या त्याग हो जाए। दोस्तों एक हार शब्द है हमारे सामने, इसके साथ में हमने क्या जोड़े कि इसका अर्थ त्यागना हो जाए। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, ए में मैं क्या लूंगा, परी, बी में मैं क्या लूंगा दोस्तों, परी के साथ में आ उपसर्ग जोड़े, या सी नंबर पे मैं लूंगा दोस्तों प्रति, इसके बाद बी ऑप्शन में लेते हैं हम सब। देखिए दोस्तों आपके सामने प्रश्न है मेरा कि हार शब्द है, इसके साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़े कि उसका अर्थ त्यागना हो जाए। इस प्रकार की प्रश्न दोस्तों आपसे पूछे जाने वाले हैं, इनमें से एक प्रत्यय जुड़ेगा और उसका अर्थ क्या होगा दोस्तों, त्यागना हो जाएगा। चलिए फटाफट से मुझे बताइएगा कि कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा, ए बी सी डी। दोस्तों इंतजार मैं नहीं कर रहा है यहाँ पर, इंतजार आप कर रहे हैं दोस्तों। फटाफट से यदि आप बताओगे तो मैं उसको क्लियर करूंगा दोस्तों, फटाफट से बताइएगा। इंतजार खत्म हो साथियों, क्या जुड़े उसके अंदर। चलिए दोस्तों समझते हैं, परी के साथ में हार जोड़ेंगे दोस्तों क्या बनेगा, आ जुड़ेंगे, इसमें हार जुड़ेंगे, आ के साथ में हार जुड़ेंगे दोस्तों क्या होगा, आहार होगा। यदि प्रति के साथ में हार जुड़ेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, प्रतिहार होगा साथियों। सम के साथ में हार जुड़ेंगे तो दोस्तों संधि का उदाहरण है, क्या होगा, संहार होगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार अब इनका अर्थ देखिए दोस्तों, परिहार, परिहार का अर्थ दोस्तों त्याग ही होता है। परिहार का अर्थ क्या होता है साथियों, परिहार का अर्थ त्याग होता है। तो हमारा एक नंबर उत्तर हुआ सही, परिहार का अर्थ त्याग होता है। आहार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आहार भोजन को कहा जाता है दोस्तों, आहार किसको कहते हैं, भोजन को कहते हैं। प्रतिहार, प्रतिहार दोस्तों द्वारपाल के लिए लगाया जाता है दोस्तों, प्रतिहार किसे कहते हैं, द्वारपाल को कहते हैं। संहार, यदि कोई करता है संहार का अर्थ मारना होता है दोस्तों, संहार करना क्या होता है, मारना होता है दोस्तों। इसी प्रकार और क्या लगाए दोस्तों, पुत लगाते हैं, यदि पुत के साथ में हार लगाते हैं दोस्तों तो क्या बनता है, उद्धार बनता है दोस्तों, उद्धार का अर्थ होता है मोक्ष। कितने हुए दोस्तों, अब देखिए इसी प्रकार उप के साथ में यदि हार लगाते हैं दोस्तों, उप के साथ में हम क्या लगाएंगे, हार लगाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, उपहार होगा, उपहार यानी कि भेंट होता है दोस्तों, हार क्या होता है, भेंट होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या प्रश्न था दोस्तों, क्या वास्तव में एक जो प्रत्यय लगा उसने किसी मूल शब्द के साथ में जुड़ करके, किस कब जुड़ा दोस्तों, पहले जुड़ा, कहाँ जुड़ा, पहले जुड़ा, पहले जुड़ करके मूल शब्द में परिवर्तन किया या नहीं किया दोस्तों, अर्थ में परिवर्तन किया या नहीं किया दोस्तों, अलग अर्थ निकाला या नहीं निकाला दोस्तों। चलिए इस चीज को समझ लेते हैं, हार था हमारे शब्द में, मूल शब्द क्या था दोस्तों, यहाँ पर परिहार देगा और मूल शब्द निकालना भी पूछ सकता है, प्रश्न हमारे कई प्रकार के यहाँ से बन सकता है। यदि प्रश्न मूल शब्द निकालना पूछे तो क्या होगा, हार होगा। यदि पूछ ले परिहार में कौन सा उपसर्ग है तो परि उपसर्ग के साथ, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे, सम, सम यदि लगाते हैं और हार लगाते हैं तो दोस्तों क्या होता है, इसका मारना होता है। संहार में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, सम उपसर्ग है, हार मूल शब्द है, निकालेंगे साथियों। नया शब्द बिल्कुल बन रहा है, उत प्लस हार में उद्धार होगा दोस्तों, अर्थ होगा मोक्ष, या अर्थ तो नहीं पूछेगा साथियों, अर्थ तो बहुत कम चांस है कि अर्थ पूछे। और एक कई टीचर से बताते हैं कि वास्तव में उपसर्गों का जो अर्थ है वो देख लेना, या इसका बनता क्या है, इसका अर्थ क्या रहता है दोस्तों, उत का अर्थ क्या रहता है, ए का अर्थ क्या रहता है, वी का अर्थ क्या रहता है साथियों, वो आपसे नहीं पूछा जाता, बहुत कम चांस होते हैं। उपसर्ग निकालना या मूल शब्द निकालना, पहचान करना ही रहता है साथियों, ठीक है पूछना। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे।
देखिए सोचो, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि ये जो है इसका अर्थ क्या रहता है, जिसको स्वतंत्र रहता है, इसमें क्या होता है, स्वतंत्र रूप से इसका अर्थ जो है वो नहीं लिया जाता दोस्तों, कैसे नहीं लिया जाता साथियों, स्वतंत्र अर्थ कैसे नहीं लिया जाता, अभी हम उसको क्लियर कर देंगे। एक शब्द आता है विपरीत, यदि मैं कहूं कि वी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, वी का अर्थ विपरीत होता है, वी का अर्थ क्या होगा दोस्तों, विपरीत होगा, उल्टा अर्थ देगा साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द है वी के साथ में मुख जुड़ा और क्या बना साथियों, वी को, बिल्कुल सही बात है, इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, हो रहा है, परंतु यदि जय शब्द है इसके साथ में वी लगा दिया तो दोस्तों विशेषता बता रहा है इसकी, भाव बलवन मान सकते हैं हम इसमें कर दिया, परंतु क्या हुआ, विशेष अर्थ प्रदान किया दोस्तों, विशेष, ठीक है, यहाँ पर वी का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, विशेष जय हो गई, ठीक है, विजय क्या हुई, विशेष जय हो गई साथियों, यहाँ पे इसने उल्टा अर्थ नहीं किया, तो हमेशा उल्टा अर्थ यहाँ पे नहीं होता। मान लो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लिखते हैं, राम राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, अब इसी को नेगेटिव ले कि राम पुस्तक नहीं पढ़ता, साथियों मैंने क्या लिया, राम पुस्तक नहीं पढ़ता, ये शब्द है और हमें पता है कि ए का अर्थ क्या रहता है दोस्तों, ए जब उपसर्ग लगाते हैं ए का अर्थ जो नहीं होता है साथियों, ए उपसर्ग का अर्थ हमें क्या बताया जाता है, ए उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, तो क्या साथियों हम इसको ले सकते हैं क्या कि राम पुस्तक ए पढ़ता है, राम पुस्तक ए पढ़ता है, क्या नहीं के स्थान पर ए ले सकते हैं क्या उसको, यहाँ पे मेरे को बताइएगा, ए ले दे, क्या ऐसा कभी सेंटेंस ऐसी कभी वाक्य पढ़ा आपने कि राम पुस्तक ए पढ़ता है, नहीं के स्थान पर ए आ जाता, यदि ए का अर्थ नहीं होता तो साथियों वास्तव में यहाँ पे आना बिल्कुल जायज था, परंतु ए का अर्थ जो होता है हर परिस्थिति में नहीं नहीं होता, ए का अर्थ नहीं के लिए उपसर्ग में प्रयुक्त किया जाता है, समझ में आए साथियों, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ साथियों, और आगे बढ़ते हैं, अब साथियों आगे आता है, ये किसमें जुड़ते हैं, ये किस प्रकार जुड़ते हैं, हमारे साथ प्रश्न है साथियों, ये किस प्रकार जुड़ते हैं, चलिए करते हैं इसको क्लियर, ये एक नंबर जुड़ते हैं संधि पद में, किसमें जुड़ते हैं दोस्तों, संधि पद में, यानी कि कहने का मतलब कि उपसर्ग जो है संधि युक्त पद में जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ते हैं साथियों, उदाहरण देखिए इसका, अब दोस्तों करना थोड़ा सा मुश्किल है, संधि करेंगे इसकी, कौन सी संधि में क्या होगा, प्रति धन एक, एक जो आया मूल शब्द आया पहले जुड़ेगा तो पहला शब्द क्या होगा दोस्तों, पहला जो प्रति है ये हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, प्रति उपसर्ग है, समझ के, पहले आता है इसलिए क्या पहला शब्द उपसर्ग रहेगा, ये क्या रहेगा साथियों, ये मूल शब्द रहेगा, मूल शब्द रहेगा, संधि में जुड़ता है, प्रत्यक्ष में जुड़ता है, बिल्कुल जुड़ता है, प्रति प्लस अक्षर होगा, अक्ष के सामने हो सकता है साथियों, इसके बाद प्रत्येक में जुड़ा, अध्यक्ष में जुड़ता है, अधि प्लस एक्स होता है दोस्तों, इस प्रकार से यानी कि संधि में जुड़ता है, कौन सी संधि में जुड़ता है दोस्तों, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, यण स्वर संधि में जुड़ता है, ये यण स्वर संधि में जुड़ता है साथियों, इसके अलावा व्यंजन संधि में ये जुड़ता है दोस्तों, व्यंजन संधि में जुड़ता है, कौन सा नियम था दोस्तों,
तय देय का नियम था, तय देय का नियम था उसमें बिल्कुल जुड़ा था, सम का नियम था, सम पर हार किया था और क्या किया था दोस्तों, संहार किया था, इसमें बिल्कुल जुड़ता है, सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग की बात करें, निर उपसर्ग की बात करें, मिस उपसर्ग की बात करें साथियों, इसमें क्या है, व्यंजन संधि है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें व्यंजन संधि है। तय का नियम व्यंजन संधि है, कहने का मतलब उपसर्ग संधि में जुड़ता है, ठीक है। चलिए और भी जुड़ता है, और किस में जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, चलिए उसको समझते हैं। ये आपको समझ में आया होगा संधि में कैसे जुड़ता है दोस्तों, उदाहरण आपके सामने है, व्यंजन और उसमें व्यंजन संधि और यण स्वर संधि में जुड़ता है। दूसरा किस में जुड़ता है दोस्तों, संयोग से जुड़ता है, संयोग से जुड़ता है। संयोग में जब जुड़ेगा ना तो क्या बनाएगा दोस्तों, एक तो बनाएगा नया शब्द, नया शब्द, और नया शब्द दोस्तों हमने बना बना के देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, नए शब्द बनाए थे ना, परिहार बनाया था, इस प्रकार के शब्द जो थे उसमें बनता है। और दूसरा क्या बनता है दोस्तों, नए शब्द के साथ साथ और होता है सामासिक पद, क्या होता है दोस्तों, सामासिक पद बनाता है, समास के अंदर भी जुड़ते हैं, ठीक है। और कौन कौन से समास में जुड़ते हैं साथियों, अव्ययी भाव समास में जुड़ते हैं, अव्ययी भाव समास में जुड़ते हैं साथियों, ये और किस में जुड़ते हैं साथियों, ये अव्ययी भाव के अलावा कर्मधारी समास जो आता है उसमें जुड़ते हैं साथियों, कर्म कर्मधारी समास में जुड़ता है। इसके अलावा जो ने तत्पुरुष समास आता है दोस्तों, ने तत्पुरुष समास आता है, तत्पुरुष में सब भी नहीं जुड़ते दोस्तों, तत्पुरुष में सिर्फ ने समास में जुड़ते हैं, ने तत्पुरुष समास में जुड़ते हैं। इसके अलावा कुछ हद तक बहुव्रीहि समास में जुड़ते हैं, किसमें जुड़ते हैं, बहुव्रीहि समास में भी जुड़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका उपसर्ग में, अब एक भाव समास में कैसे जुड़ता है साथियों, देखिएगा जैसे जीवन है, जीवन में पहले आ जुड़ा साथियों, तो क्या हुआ, आजीवन, ठीक है, आजीवन, ठीक है, ये बना साथियों, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है आजीवन। तो ये आज उपसर्ग कहेंगे, जीवन में जुड़ करके आजीवन अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो रहा है। अव्यय का अर्थ होता है दोस्तों घटा बढ़ा नहीं सकते, यानी कि इसको और परिवर्तित नहीं करने देता दोस्तों, जब ये जुड़ता है ना, जब उपसर्ग जुड़ेगा इसके साथ में तो इसको घटने या बढ़ने नहीं देगा साथियों। तो ये था हमारा संयोग के रूप में जुड़ना, आपको दोस्तों उपसर्ग जो है समझ में आ गया होगा, यहाँ तक की क्लास दोस्तों क्लियर होगी। ये क्या होता है उपसर्ग दोस्तों, लिंग वचन काल क्रिया कारक के आधार पर परिवर्तन इसमें नहीं आता दोस्तों। ए लिखा हुआ है तो ए का अर्थ या तो बहुवचन ए का बनाए नहीं बनेगा दोस्तों, लिंग ए का नहीं बदला जा सकता, इसलिए ये क्या होते हैं दोस्तों, अव्यय के जैसे उच्चारित होते हैं, अव्यय के जैसे अर्थ निहित रहता है इसमें, खुद का कोई अर्थ नहीं होता साथियों, परंतु शब्द का अर्थ बदलने के दृष्टि से, रूप परिवर्तन करने की दृष्टि से, नया शब्द बनाने की दृष्टि से इनका जो अर्थ है वो माना जाता है। तो यहाँ तक की आपको क्लास समझ में आई होगी दोस्तों, आगे करते हैं नेक्स्ट, अगली क्लास जल्द ही मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ दोस्तों, तब तक आपका धन्यवाद साथियों, आपसे रिक्वेस्ट हमारी क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, धन्यवाद।